जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भौसा। तो हमारे पास कुछ व्हाइट क्लॉथ्स है जिनके स्टेन क्लीनिंग करने हैं, तो वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और मैं पूरे प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा दोस्तों, तो बने रहिए इस वीडियो में। ये देखिए, ये व्हाइट कलर का टॉप है और इसको जगह जगह पे ये ब्लू कलर लगा है दोस्तों, यहाँ पे भी लगा है और यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा लगा है। ये एक पैंट है, जिसको इन्होंने घर पर आला ब्लीच ऐसा कुछ ट्राई किया होगा, तो ये जगह जगह से इसका कलर है ना निकल गया है दोस्तों, मतलब कलर खराब ही हो गया है। हम इसको ब्लीच भी करने वाले हैं दोस्तों। ये एक कपड़ा है, ये थोड़ा सा येलो हो गया है दोस्तों, और ये पैंट, ये नॉर्मल मिट्टी के स्टेन है दोस्तों। कॉटन जीन्स है और इसके ऊपर ब्लीच नहीं चलेगा, बट इसको गर्म पानी में वॉश करके देखेंगे स्टेन जाता है या नहीं। इस शर्ट को भी ब्लीच नहीं चलेगा दोस्तों, करी का स्टेन है। ये भी व्हाइट शर्ट है, बट इसके ऊपर बहुत सारे ये इस तरह के स्टेन है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारे कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए हैं, इसको मैं वॉश नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, इसको डायरेक्ट ब्लीच करेंगे। अभी मैंने ये कपड़े डाले हैं ना, तो इनको मैं वॉश करने वाला हूं। कम से कम 150 ग्राम तक मैंने सोडा डाला है दोस्तों। पचास ग्राम तक डिटर्जेंट पाउडर और इसके साथ में IFB लिक्विड, 20 ml क्लोथ स्टेन रिमूवर यूनिवैक्स कंपनी का और एक फैब्रिक ब्राइटनर, ये भी 20 ml डालेंगे दोस्तों। जिन कपड़ों को मैं ब्लीच नहीं करना चाहता हूं ना, तो उनको मैं गर्म पानी के साथ में और ये सारे केमिकल के साथ में वॉश कर लूंगा, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और सभी कपड़ों को ब्लीच करना ऐसा नहीं है, जो कपड़े हार्ड रफ एंड टफ कपड़े हो या व्हाइट कलर हो कोई भी, और रफ एंड टफ अगर फैब्रिक हो तो उसके ऊपर ब्लीच करना है। बाकी के कपड़े विदाउट ब्लीच के ही अगर अच्छे से मुझे लगा कि स्टेन वगैरह चले गए, तो मैं वो कपड़े पहले ही निकाल लेता हूँ दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरी प्रोसेस आपके साथ में शेयर करूंगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी लाइक कर दिया। अभी इसमें डालते हैं गर्म पानी। दोस्तों, मशीन में कपड़े कम है, कम से कम 10-15 ही कपड़े हैं और कपड़े कम है इसीलिए वीडियो बनाना पॉसिबल हो रहा है। अगर ज़्यादा कपड़े होते तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है दोस्तों वीडियोस बनाने में। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी देखिए, इसको हम कम से कम 20 मिनट तक वॉश करेंगे। 20 मिनट का टाइमर लगा लेता हूं, उसके बाद की प्रोसेस आपको दिखाता हूं दोस्तों, बने रहिए। दोस्तों, 20 मिनट का वॉश हो गया है, तो अभी इसमें कुछ कपड़े ऐसे हैं कि जिनको ब्लीच नहीं करना है दोस्तों, तो मैं उनको पहले यहां से निकालता हूं। ये टॉप देखिए दोस्तों, जिसको मैंने अभी ब्लीच भी नहीं किया है और सिर्फ इसी मटेरियल में ये स्टेन पूरे क्लियर हो गए। इसके कलर अभी 100% गया है, प्योर व्हाइट हुआ है, बट इसको हम और व्हाइट करेंगे, इसको ब्लीच भी करेंगे दोस्तों। इसके ऊपर हल्दी के स्टेन थे दोस्तों,
स्टेन तो दिख नहीं रहे हैं, बट इसको हमें ब्लीच नहीं करना है दोस्तों। तो ये सारे कपड़े ब्लीच होंगे दोस्तों। अभी मैं आपको ब्लीच किस तरह से मैं बनाता हूँ, ब्लीच का घोल, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्लीच फिल्टर करने के लिए मैंने पॉलिस्टर का कपड़ा लिया है, 200-250 ग्राम तक होगा दोस्तों ये ब्लीच। और इसमें हम छानेंगे ब्लीच पाउडर को। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सोडा ऐश, सोडा ऐश हमने बहुत थोड़ा डाला है दोस्तों, क्योंकि मशीन में हमारा जो मटेरियल वॉश करने के लिए रखा था वो मटेरियल मशीन में ही है। कपड़े कम है इसीलिए हम थोड़ा सा पानी और बचा लेंगे, और अभी इनको करेंगे दोस्तों वॉश। ये पैंट भी डालेंगे, और इसमें से मैंने पानी नहीं निकाला है दोस्तों, जो भी मशीन में पानी पहले से है वही पानी है, और उसी में मैंने ब्लीच का घोल डाला है दोस्तों। अभी इसको भी हम ब्लीच 20 मिनट तक वॉश करेंगे दोस्तों, और 20 मिनट के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ आगे की प्रोसेस, तो बने रहे दोस्तों। दोस्तों हम अभी इस केमिकल को है ना ड्रेन कर देते हैं, पूरा केमिकल ड्रेन हो जाएगा दोस्तों 2 मिनट में। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये पैंट का कलर अब लगभग एक जैसा हो गया है। अभी मैं इसको 2 बार साफ पानी में खंगालूंगा, मतलब 2 बार मशीन में पानी फिल करूंगा और 2 बार वो पानी में छोड़ूंगा, उसके बाद की प्रोसेस होगी लिक्विड ब्लू की और टिनोपॉल, और उसके बाद में और स्टार्च भी करना है, और थोड़े कपड़े तो हाथों से स्टार्च करना है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में। कपड़े थोड़े से ही है, 10-12 कपड़े हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा टिनोपॉल और उसके बाद में रेडलिन का फैब्रिक ब्राइटनर, थोड़ा सा महंगा है इसीलिए थोड़ा सा ही यूज कर रहा हूं। और फाइनली लिक्विड ब्लू, थोड़ा सा ही, कपड़े सिर्फ स्नो व्हाइट दिखने चाहिए, इतने इतना ही यूज करना है दोस्तों। और मशीन में मैंने पानी ले लिया है, टिनोपॉल ज्यादा चलेगा, फैब्रिक ब्राइटनर भी ज्यादा चलेगा, बट लिक्विड ब्लू ज्यादा नहीं चलेगा दोस्तों। अभी इसको है ना 4 मिनट तक अच्छे से वॉश होने देंगे टिनोपॉल और लिक्विड ब्लू के साथ में, चलने देंगे 4 मिनट मशीन, और उसके बाद में हम स्टार्च करेंगे दोस्तों, बने रहे। स्टार्च मैन्युअली करना है दोस्तों। इसमें हम ये हमारा जो बनाया हुआ स्टार्च है ना वो डालेंगे, और स्टार्च कैसे बनाते हैं इसकी बहुत सारी वीडियोज हमारे चैनल पे है दोस्तों, तो जाके चेक कर सकते हो। और ये वही पानी है जो टिनोपॉल लिक्विड ब्लू का पानी था, वही ये पानी है दोस्तों, मैंने इसमें लिया है। अभी इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, तो थोड़ा सा मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा पतला कर दिया है दोस्तों इसे। इस तरह से हाथों से हम स्टार्च कपड़ों में और धीरे धीरे पानी निचोड़ लेना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। अब मैं इन कपड़ों को सिर्फ 20-30 सेकंड के लिए हाइड्रो करूंगा दोस्तों, और सुखाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों व्हाइट कपड़ों का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, पूरी प्रोसेस मैंने आपको अच्छे से दिखाई है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोस्तों ये वीडियो बनाने में इस तरह की, बट आप जब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो मैं इस तरह की वीडियो और भी बनाऊंगा।
तो ये देख लीजिए, सबसे पहले मैंने ये टॉप दिखाया था जिसके ऊपर कलर स्टेन लगे थे, तो ये 100% क्लीन हो गया दोस्तों। और दूसरी मैंने ये पैंट दिखाई थी दोस्तों, जो घर पे आला वगैरह यूज़ करने से ख़राब हो गई थी, ये भी अभी काफ़ी सही हो गई है, पहनने लायक हो गई है दोस्तों अभी। ये दो नंबर में दिखाया था। इसके बाद में ये तीन नंबर में ये कुर्ता मैंने दिखाया था, जिसका नंबर भी मैंने दिखाया था, तो ये पूरा अच्छे से व्हाइट हो गया है। इसको मैंने स्टार्च किया है, अभी और भी बढ़िया हो जाएगा ये स्टार्च करने के बाद में, प्रेस करने के बाद में। येलो येलो स्टेन थे इसके ऊपर, शायद कलर स्टेन होंगे, बट 100% क्लीन हो गए दोस्त। इसके बाद में मैंने ये जीन्स, ये नॉर्मल मिट्टी के स्टेन थे इसके ऊपर, बट ये भी अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और ये स्टेन मैंने दिखाया था दोस्तों, इसके ऊपर ब्लीच नहीं करना था, हल्दी के स्टेन थे, तो ये भी स्टेन अच्छे से क्लीन हो गए हैं। इसके बाद में ये एक शर्ट है जिसके ऊपर करी का स्टेन था, ये भी 100% क्लीन हुआ है और प्रिंट भी डैमेज नहीं हुई है दोस्तों, और प्रिंट भी डैमेज नहीं हुई है। और ये मेरा व्हाइट कपड़े व्हाइट केमिकल से नहीं गया है, इसको रस्ट स्टेन क्लीन किया है। आपने वीडियो देखी होगी, इसकी वीडियो पहले ही आ गई है चैनल पे हमारे, ये रस्ट स्टेन क्लीनर से गए थे दोस्तों ये स्टेन, बट 100% क्लीन ये भी हो गया है। तो बस दोस्तों, ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। और हाँ, जो भी केमिकल मैंने यूज़ किए ना, उनके ऑनलाइन बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आपके पास कोई भी केमिकल नहीं है, सिर्फ बेसिक केमिकल भी है ना, तो भी आप ये काम कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों। इम्पोर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।